दर्शक बंधु हिंदू धर्म रे कुहा जाइछि जे एही कार्तिक मास भगवान विष्णुंकर प्रिय अटे। एही कार्तिक मास को बहुत पूजनीय माना जाय थाय। शास्त्र अनुसारे एही मास रे पूजा व्रत करिबा द्वारा आमर समस्त मानसिक पूरण होई थाय। एहा करिबा द्वारा घरे सुख एवं शांति भरी जाय थाय। कुहा जाय कि भगवान विष्णु नारदंकु एवं बुद्धंकु एही कार्तिक मासर महानता विषयरे कहिथिले। एहा छोडा एही मासरे केतेक नियम मध्य रहिछि जेउ नियम गुडिक पालन करिबा द्वारा समस्त मनस्कामना पूरण होइथाय एवं गृहकु सुख एवं शांतिर आगमन होइथाय। तेणु आसंतु जानिनेबा कोन सेही नियम गुडिक जहाकु आपण माने पालन करिबा द्वारा भगवानंकु लाभ करि परिबे एवं होइजिबे भाग्यशाली। तेबे कार्तिक मासरे करंतु एही सातटी उपाय हेब पुण्य प्राप्ति। तेबे आसंतु जानि नबा कोन सेही सातटी उपाय। तेबे ताहा पूर्वरु आपनकु अनुरोध अटे जे आपन भिडियो रे तळे थिबा नाली सब्सक्राइब बटन कु दबाई सब्सक्राइब करि नियंतु एवं एही भिडियो कु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे दर्शक बंधु कार्तिक मास हेउछि पवित्र मास, धर्मर मास। तेणु एही कार्तिक मास रे एही नियम गुडी कु पालन कले आपन वर्ष जाक पापरु मुक्ति मिलि एवं पुण्य प्राप्ति होई थाए बोली कुहा जाई थाए। तबे दर्शक बंधु आसंतु जानी नेबा सेही सातटी उपाय विषय रे जहाकु करिबा द्वारा आपण एही कार्तिक मास रे धर्म प्राप्ति करि परिबे एवं पुण्य प्राप्ति करिबा सहित घरकु धन आगमन रो बाट मध्य खोलि जिवो। प्रथम नियमटी हेउछि तुलसी गछकु पूजा करिबा। श्रीहरिंकर प्रिय तुलसी अति प्रिय होइथिबारु एही कार्तिक मास रे तुलसी पूजा बहुत महत्व दिया जाइछि। कहिबाकु गले तुलसी गछ पूजा करिबा द्वारा समस्त मनस्कामना पूरण होइथाय। तेणु सेथि पई तुलसी गछ को पूजा करिबा अत्यंत जरूरी होइथाय। कहिबाकु गले एही मास रे तुलसी गछ को पूजा करिबा द्वारा भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा मिलिथाय। तेणु एही कार्तिक मास रे तुलसी गछ को पूजा करिबा अत्यंत जरूरी होइथाय। तबे दर्शक बंधु एही द्वितीय नियमटी हेउछि एही कार्तिक मास रे अधिक पुण्य करिबा जिनिस हेउछि दीपदान करिबा। एही मास रे जदि आपण माने कोनोसी पोखरी रे दीपदान करूछंती तेबे आपणंकु बहुत पुण्य मिलिथाय। एही सुवर्ण मास रे नदी एवं पोखरी रे दीपदान करिबा उचित होइथाय। एही दीपदान करिबा द्वारा घरु समस्त प्रकारर नकारात्मक प्रभाव दूर होइथाय। तेबे दर्शक बंधु तीनि नंबर हेउछि शास्त्र अनुसारे एही कार्तिक मास रे बिछणा अपेक्षा भूमि रे सोइबा बहुत मात्रा रे आवश्यक होइथाय। माना जाय थाय जे एही मास रे भूमि रे सोइबा द्वारा व्यक्तिर मन भलो रहिथाय। व्यक्तिर अंतररु नकारात्मक भावना दूर होई सकारात्मक भावना सृष्टि होइथाय। एहा करिबा द्वारा शरीरर रक्त संचालना भलो होइथाय। तेबे दर्शक बंधु चारि नंबर हेउछि एही मास रे तेल लगाइबा अनुचित बोली माना जाय थाय। कुहा जाय थाय कि एही मास रे केवल चतुर्थी दिन शरीर रे तेल लगाइ पारिबे। दर्शक बंधु आसंतु जानि नेबा पंचम उपायटी। कुहा जाय थाय जे एही मास रे मुग चणा एवं मटर आदि रो सेवन करिबा अनुचित होइथाय। एहा छडा व्यक्तिंकु मद एवं मांस ठारु दूरै रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाय। षष्ठ नियमटी हेउछि दर्शक बंधु सेही उपायटी जेउ माने एही मास रे व्रत रखिथांती सेमाने तपस्वी मानंकर परी जीवन अतिवाहित करिबा जरूरी होइथाय। एहा छडा कम कथा कहिबा झगडा आदि न करिबा बहुत शुभ होइथाय। एही समय रे व्यक्ति निजकु नियंत्रण रे रखिबा बहुत जरूरी होइथाय। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानि नबा सेही शेष उपायटी। सप्तम उपायटी हेउछि एही मास रे ब्रह्मचर्य नियम पालन करिबा बहुत जरूरी होइथाय। एही समय रे भगवान विष्णुंकर नामकु जप करिबा अत्यंत जरूरी हेबा सहित जीवन रे शांति सुख मिलिबा सहित घरकु धनरत्न आसिथाय एवं घरे सर्वदा खुशीर वातावरण लागि रहिथाय। संतान मानंकर खुशीर लहरी गृहरे खेळि जाइथाय। तेबे दर्शक बंधु आपण जानिले केउं सबु कार्य कार्तिक मास रे करिबा सहित केउं सबु कार्यकु कार्तिक मास रे न करिबा
करिबा उचित। यहा सहित केउ सातटी उपाय को कार्तिक मास रे निहाती भाव रे करिबा उचित। तेणु जदि आपण माने एही सातटी उपाय को एही कार्तिक मास रे पालन करंती, तेणु आपण मध्य एही धर्मर मास कार्तिक मास रे अत्यंत पुण्य प्राप्ति करिबे। रहुछि, धन्यवाद।